जैसा आप खाएंगे आहार वैसा व्यवहार और विचार। हम लोग ओवर वेट है उसको घटाने आए हैं, तो बढ़िया हेल्दी फूड है, बहुत अच्छा है। अगर स्वस्थ रहना है तो एक बार आके विजिट करें यहाँ पे, जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। एक तो बनाने में घर में जाइए तो सारा प्रोसेस करना पड़ता है, यहाँ पे सारा प्रोसेस करके मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया कुछ होता नहीं है, जनरली लोग पूरी पराठे खा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूँ आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, एक ज़माना था जब हम लोग शुद्ध खाते थे, स्वस्थवर्धक खाते थे, स्वस्थ रहने की कामना करते थे। और अगर हम स्वस्थ रहने का मूल मंत्र ही है कि अगर हम स्वस्थ भोजन करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करते हैं, हेल्दी फूड अगर ग्रहण करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम अंदर से मजबूत रह सकते हैं। और पुराने समय में जो सात्विक भोजन की बात की जाती थी, जो भी तामसिक भोजन को छोड़कर सात्विक भोजन की बात की जाती थी, वह आज पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बिहार की एक बेटी आपको दिख रही होगी जो सात्विक भोजन जो है लोगों के बीच परोस रही है। साथ ही साथ सुबह के वक्त, अभी लगभग 8:30 बज रहा होगा, और सुबह के वक्त में यह जो है स्वास्थ्यवर्धक भोजन जो है लोगों को परोसती हैं। साथ ही साथ यह संदेश देती हैं कि आपको स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी फूड की ज़रूरत पड़ेगी, और हेल्दी फूड ग्रहण आप अगर आप सुबह सुबह करते हैं, अगर पहला भोजन आपका हेल्दी होता है तो पूरा दिन आपका हेल्दी होगा, लाइफ टाइम आप हेल्दी रह सकते हैं। जीवन का मूल मंत्र ही है, अगर आप सबसे बड़ा धन जीवन का यही है कि आप अगर स्वस्थ रहते हैं तो ये आपका सबसे बड़ी पूंजी है। तो इस बेटी से बात भी करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में यह विचार कब से आया। क्या नाम हुआ आपका? मीरा सिंह। मीरा जी, कब ये विचार आया कि ऐसा भोजन परोसना चाहिए लोगों के बीच, पटना जैसे प्रदूषण भरे शहर में? सर, एक्चुअली हम नेचुरोपैथी का पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि सबसे पहले लोगों को डाइट के प्रति थोड़ा अवेयर किया जाए। तो इस वजह से नेचुरोपैथी में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस डाइट को दिया जाता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है डाइट को लेके, तो वही थोड़ा सा ये मेरा एफर्ट है थोड़ा सा कि लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? ग्रेजुएशन की है जी। तो रहने वाली बेसिकली कहाँ की हैं आप? पटना के हैं सर। पटना की हैं जी। तो क्या क्या देती हैं लोगों को, बता सकती हैं थोड़ा क्या क्या है? चना है, देखिए आप देख सकते हैं, ओके, मूंग है, ये आपका बादाम है, मूँगफली, सोयाबीन सीड्स है, राजमा है जो बॉइल्ड है, छोला है जो बॉइल्ड है, फिर मेथी दाना है सर, जौ है, फ्लैक्स सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, रोस्टेड पीनट है, और थोड़ा स्पाइसेस है सर। सारे का कॉम्बो करके, सारे को कॉम्बो करके ये बनता है, देख सकते हैं आप कि ये आपको दिख रहा होगा, और सभी चीज़ को मिलाकर यह हेल्दी फूड बनता है। जो सुबह सुबह, जो भी यहाँ पर आपको जगह बता दे रहे हैं कि एसके पुरी पार्क पटना में काफ़ी प्रचलित है, बोरिंग रोड का यह इलाका है, तो अगर आप बोरिंग रोड आते हैं और बोरिंग रोड में एसके पुरी पार्क आते हैं तो यहाँ पर बिहार की यह बेटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अपना स्टॉल लगाती हैं और यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन होता है, जो हेल्दी फूड होता है, वो परोसती हैं। तो कितना प्राइस कितना रखी हुई हैं आप? सर, 25 का छोटा प्लेट है और 40 का बड़ा प्लेट है आपका। 40 का बड़ा प्लेट है जी सर। तो बिल्कुल 25 का छोटा और 40 का बड़ा प्लेट, आप हज़ार खर्चा कर देते हैं बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर, आप बड़े स्पाइसी फूड भी खाते हैं, तो यहाँ पर आपको हेल्दी फूड मिलेगा, जो कि दिन की शुरुआत अगर आपका हेल्दी फूड से होती है तो आपको आपका दिन भी अच्छा जा सकता है। साथ ही साथ आप इस बेटी के हुनर को देख सकते हैं कि सुबह सुबह यह जो है हेल्दी फूड यहाँ परोस रही है। जो भी लोगों के भीड़ को भी देख सकते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं इनसे इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी लोग टहलने यहाँ पार्क में आते हैं उनके साथ, मैम कितना बढ़िया लगा यह कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एक तो बनाने में घर में जाइए तो सारा प्रोसेस करना पड़ता है, यहाँ पे सारा प्रोसेस करके मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। बहुत लगा सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, प्रोटीन है, बहुत कुछ है। सुबह सुबह जो टहलने आते हैं लोग उनके लिए पहला भोजन बहुत ही बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ होता नहीं है। जनरली लोग पूरी पराठे खा लेते हैं, हम लोग ओवर वेट है उसको घटाने आए हैं, तो बढ़िया हेल्दी फूड है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं जो भी लोग आ रहे हैं वह भी कह रहे हैं कि अच्छी फूड है। क्या क्या कैसा लग रहा है सर, अभी बेटी जो है इसका कॉन्सेप्ट? हम देखे नहीं है, देखे नहीं है। चलिए, तो देख सकते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं कि सुबह के वक्त में अगर ऐसा भोजन मिल जाए, पहला निवाला अगर ऐसा मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो कुछ और बात करेंगे इनसे कि लोगों को यह कैसे अपने पास बुला रही हैं, कैसे बुलाएंगी कस्टमर्स को?
बुलाएंगी कैसे पटना वासियों को? जी सर, कैसे बुलाएंगी पटना वासियों को एक संदेश, अपना संदेश देकर? अगर स्वस्थ रहना है तो एक बार आके विजिट करें यहाँ पे। कैसे आया कॉन्सेप्ट दिमाग में ये? एक्चुअली सर, हम लोग जो हैं नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं, तो नेचुरोपैथी का पूरा जो फंडामेंटल है वो डाइट बेस है कि जैसा आप खाएंगे आहार वैसा व्यवहार और विचार। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको कुछ हेल्थ बेनिफिट चीज़ें जैसे अवेलेबल कराई जाए यहाँ पे सुबह सुबह। तो हम लोगों को यह कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग घर में तो रोज़ ये प्रयोग कर ही रहे हैं अपने लिए, तो क्यों ना दूसरों को भी इस चीज़ से हम लोग अवगत कराएं। तो उसके बाद हम लोगों ने सेटअप लगाया और कुछ टीम मेंबर्स को इंक्लूड किया, जैसे ये हम लोग के साथ नेचुरोपैथी सीखती हैं तो इनको भी हम लोगों ने इंक्लूड किया इसमें, कि ताकि इन लोग को भी कुछ सपोर्ट मिल जाए और इनकम का भी जरिया हो ताकि अपना पढ़ाई इन लोग खुद से कर सकें। तो इस बेसिस को कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोगों ने हेल्दी फूड को सेलेक्ट किया, जैसे कि पीनट्स है, रॉ वीगन फूड जिसमें सारी प्रोटीन रिच चीज़ें, कैल्शियम रिच चीज़ें अवेलेबल हो सके लोगों को। तो इसको हम लोगों ने वेजिटेबल से मिक्स किया ताकि विटामिंस और फाइबर जितने भी होती हैं हेल्दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सके लोगों को। और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में सारा कुछ बायोडिग्रेडेबल रखा है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने कटोरा भी सेलेक्ट किया है। तो इसमें क्या है कि ये पत्ते वाला लीफ वाला, जिससे कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और पर्यावरण का भी खासा ख्याल रखा है। तो इस तरीके से हमने सारा कॉन्सेप्ट को तैयार किया और यहाँ पे एक बार हम लोगों ने सोचा कि इसको करके देखते हैं पटना में लॉन्च किया जाए। पटना में पहले कि मतलब रोल वाले दुकान पे देख लें या फिर मोमोज के दुकान पे देख लें या फिर जो भी चाइनीज़ फूड हैं उनके दुकान पे देख लें तो काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ पर कम भीड़ देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है कुछ बताएंगे? सर, धीरे धीरे लोग अब इसी की तरफ आना है सभी लोगों को, थोड़ा लेट सही बट आएंगे लोग यहीं पर क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि हेल्दी यही है, बट ये है कि लोग जानते सब लोग हैं पर करते कोई नहीं है। बट ठीक है, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा। बिल्कुल, गांव में कहावत होती है कि जो जिह्वा को अच्छा लगे ना वो नहीं खाना चाहिए, जो पेट को अच्छा लगे वह खाना चाहिए। जो आपका पेट जवाब दे, जो आपका पेट सही रखे आपके पेट को, वही भोजन करना चाहिए। पर आज के लोग जो हैं जो जिह्वा को अच्छा लगता है वो खाते हैं, बड़ी मसालेदार चीज़ें खाते हैं, या फिर पटना के आप विभिन्न स्टॉलों पे देख लेंगे तो वहाँ पर भीड़ लगी रहती है रोल पे, मोमोज पे या फिर चाट चाउमीन के ठेलों पे, तो काफ़ी भीड़ रहती है, पर यहाँ पर कम भीड़ देखने को मिलती है। तो हम आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप सुबह के वक्त में अगर आप यहाँ पर हैं, दुकान के खुलने का टाइम क्या रहता है? सर, हम लोग तो 5:15 तक आ जाते हैं यहाँ पे। कितना बजे तक रहते हैं? 10 बजे तक सर। 10 बजे तो 5:15 से 10 बजे तक ये स्टॉल लगता है। अगर आप पटना में हैं, बोरिंग रोड के इलाके में हैं, तो एक बार यहाँ पर आएँ, इस चीज़ को टेस्ट करें और बताएँ कैसा लगा। बिल्कुल, स्वस्थ रहना है तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खीरा, धनिया पत्ता, टमाटर भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ तमाम ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए बढ़िया है। तो आपसे यही निवेदन होगा, द बिहार टॉप भी आपसे निवेदन करेगा कि अगर आप इस इलाके में अगर आते हैं सुबह के वक्त में तो एक बार यहाँ पर आएँ, हेल्दी फूड ग्रहण करें, साथ ही साथ अपने दिन की शुरुआत अच्छा करें और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं फिर से यह बात कह रहा हूँ कि अगर आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो इससे बड़ी पूंजी हो ही नहीं सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।